हमारे प्रिय श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार और सलाम अर्ज है। आज आपके सामने इन चीजों को पेश किया जाएगा जिसको कहा जाता है कि फिल्मी संगीत और शास्त्रीय संगीत का मेल जोल। फिल्मी संगीत में और नाट्य संगीत में और हमारे सेमी क्लासिकल संगीत जिसे कहते हैं, इनका आधार इन 12 स्वरों पर है। इन दोनों संगीतों का आधार है। चूंकि आज से लगभग 40 वर्ष का अरसा गुजर चुका है जबकि मैं फिल्मों से भी वाबस्ता था, मेरा उनसे भी ताल्लुक रहा है और मुझे इन चीजों को समझने का अवसर भी मिला कि रचनाकार जो रचनाएं करते हैं उसमें उनकी उपज और क्रिएशन कैसे कैसे काम करता है और वह किस तरह से अपनी रचनाओं को पेश करते हैं। तो आज काफी ठाट में एक ऐसे फिल्मी गाने को पेश किया जाएगा जिसमें के भीमपलासी, खुदरा काफी और किरवानी को इन्होंने किस तरह से एकजा किया है, उनको जैसे त्रिवेणी संगम कैसे बनाते हैं उसको त्रिवेणी संगम किया है, तो वो है गाना ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि इनके जो डायरेक्टर थे, जो जिन्होंने ये रचना की है, वो सी रामचंद्र और पिक्चर का नाम है अनारकली। चूंकि मैं उसमें सितार बजा चुका हूं तो उस पीस को और जो पीस मैंने बजाया है वो आपके सामने पेश करता हूं। ये भीमप्लास है और काफी थाट जो कि संपूर्ण है। सारे गम पदनी साने दे सा। अब किरवानी, ये सब एक ही ठाट के राग हैं। सारे गम पदनी साने दे सा। अब जो पीस मैंने बजाया है वो पेश किया जाता है। जिंदगी उसी की है, इसमें जो कोमल धेवर लगा है ये किरवानी का है। ये कोमल धेवर। अब जो किसी का हो गया, अब ये शुद्ध धेवर है, ये काफी ठाटका आ गया है। अब ये साफा, अब इसमें भीमप्लासी